मूवी के स्टार्टिंग में हम एक हाई सिक्योरिटी वाले एरिया को देखते हैं। अब इसी दौरान यहाँ से एक सीरो नाम का आदमी गुजर रहा होता है। तभी वो आसपास किसी को ना देखकर इस मौके का फायदा उठाते हुए वो पास में खड़ी एक गाड़ी 4x4 के गेट को आसानी से खोलकर उसके अंदर चला जाता है। सीरो एक्चुअली एक चोर है और वो इस कार में भी चोरी करने के लिए ही आया है। वो इस कार को तो नहीं चुराता है मगर इस कार के साउंड सिस्टम और डैशबोर्ड में रखी हुई चीजों को ले लेता है। अब यहाँ पर वो मस्ती करते हुए साथ में पीछे वाली सीट पर टॉयलेट भी कर देता है। अब सारा काम खत्म हो जाने के बाद भी जब वो इस कार से निकलने के लिए डोर खोलने की कोशिश करता है तो डोर नहीं खुलता है। वो दूसरे डोर को खोलने का ट्राई करता है मगर सारे डोर ही लॉक्ड होते हैं। सीरो अब ट्रिगर हो जाता है जिसके बाद में वो इस कार के शीशों को तोड़ने की कोशिश करने लगता है मगर उसके शीशों पर पैर से इतना तेजी से मारने के बावजूद भी शीशे नहीं टूटते हैं। और टूटे भी कैसे, ये सारे ग्लास फुली बुलेट प्रूफ होते हैं। अब इसके बाद में सीरो डोर के प्लास्टिक वाले पार्ट को तोड़ के उसके अंदर हाथ डाल के खोलने का ट्राई करता है मगर इसी चक्कर में उसके हाथ में चोट लग जाती है। अब जब उसके पास में कोई चारा नहीं बचता है तो वो अपने बैग से गन निकालता है और आगे की विंडशील्ड पर चलाता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि सारे शीशे बुलेट प्रूफ हैं, इसीलिए गोली चलाने के बाद में बुलेट रिफ्लेक्ट होकर उसी के ही पैर में लग जाती है जिससे यहाँ पर सीरो की मुसीबत अब और भी बढ़ जाती है। खून को रोकने के लिए वो अपने घाव पर टी शर्ट लपेटता है। अब तभी बाहर एक औरत आती है जो इस कार के शीशे से अपनी लिपस्टिक को ठीक करती है। इससे ये पता चलता है कि कार के सभी शीशे पोलराइज्ड हैं, यानी कि बाहर से अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और इसके बाद में वो औरत यहाँ से चली जाती है। सीरो अब अपने फोन से अपने वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसके फोन में बैटरी खत्म हो चुकी थी जिससे फोन ऑफ हो जाता है। सीरो अब यहाँ पर बेहद ही बुरी तरीके से फंस चुका है। उसके पास में यहाँ पर कुछ खाने के लिए भी नहीं है और पीने के लिए उसके पास में बस थोड़ी सी पेप्सी होती है। खैर अब ये रात तो किसी तरह सीरो निकाल लेता है और अगले दिन जब सीरो जागता है तो उसने जो रेडियो चुराया था उसको कार में वो वापस लगाता है और कार में म्यूजिक बजाकर कुछ रिलैक्स करने की कोशिश करता है। वो साथ में फिर से डोर तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन इसी दौरान उस कार में अब कॉल आती है। सीरो कॉल को उठाता है जिसके बाद में वो आदमी बताता है कि मेरा नाम डॉक्टर एनरिक फेरारी है, मैं इस एसयूवी का मालिक हूँ, मेरी 28 बार कार चोरी हो चुकी है और इसको मिला के अब 29 हो जाएंगी। मगर सीरो सिर्फ एक ही वर्ड कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अब एनरिक इस कार की कुछ खूबियां बताता है। वो बताता है कि ये कार पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ है, इसके ग्लास पोलराइज्ड है और इसका पूरा कंट्रोल मेरे पास में है। सीरो उसे गाली देते हुए उसे यहाँ से निकालने के लिए कहता है और कहता है कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी भी है। जिसके बाद में अब फोन कट हो जाता है और एसी चालू हो जाती है। एसी चल जाने से अब सीरो को कुछ राहत मिलती है मगर एनरिक ने एसी उसके भले के लिए नहीं बल्कि उसे टॉर्चर करने के लिए चलाई थी। धीरे धीरे करके यहाँ पर ठंड बढ़ती जाती है। सीरो अपनी शर्ट दोबारा पहन लेता है, वो एसी के वेंट्स को अपने जींस के कपड़े से बंद करने की कोशिश करता है मगर अब कार के अंदर बहुत ही ज्यादा ठंड बढ़ गई होती है। कुछ समय बाद में अब फिर से कॉल आता है। सीरो उसे फिर से गाली देके उसे यहाँ से निकालने को कहता है। एनरिक कहता है कि तुम मेरे कुछ सवाल का आंसर दो जिसके बाद में तुम यहाँ से निकल सकते हो। एनरिक पूछता है कि तुम क्या करोगे जब तुम अपने बेटे को चोरी करते हुए पकड़ोगे। सीरो कहता है कि मैं उसका कान पकड़ूंगा और पुलिस को दे दूंगा मगर एनरिक कहता है कि नहीं, कोई भी पिता ऐसा नहीं कर सकता है। अब कुछ समय बाद में सीरो अपने सामने पुलिस को देखता है। वो चिल्ला के उससे हेल्प के लिए कहता है लेकिन आवाज बाहर नहीं जा रही थी। अब ये पुलिस वाला इस कार को चारों तरफ से देखता है और इसका चालान काटकर यहाँ से चला जाता है। इस कार का चालान इसलिए काटा गया था क्योंकि इसके सारे शीशे पोलराइज्ड थे। बाहर भले ही बारिश हो रही है लेकिन सीरो इधर प्यास से मर रहा होता है। अब फिर से यहाँ पर कॉल आता है तो सीरो उसे पानी के लिए कहता है। एनरिक उससे अब उसका आईडी नंबर और उसका नाम पूछता है और जब सीरो उसे बता देता है तो एनरिक उसे पानी पीने के लिए दे देता है। वो बैक साइड में एक छोटे से पाइप से कार के फिल्टर हुए पानी को बोतल में भरता है जो दिखने में ही साफ नहीं लग रहा था लेकिन इतने प्यास के कारण सीरो बिना कुछ सोचे हुए वो सारा पानी पी जाता है। अब फिर से रात होती है और सीरो को भूख भी बहुत तेज लगी हुई है। उसके सामने ही एक डिलीवरी बॉय पिज्जा की डिलीवरी कर रहा है मगर उसके सामने खाना होने के बावजूद भी वो कुछ खा नहीं सकता। अब इसी दौरान यहाँ पर एक छोटा सा इंसेक्ट उसका फ्रेंड बनता है। एनरिक उसके साथ में टॉर्चर करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। अब वो कार में गर्म हवा की एसी चला देता है जिससे सीरो की हालत और भी खराब हो जाती है। इतनी ज्यादा भूख के कारण सीरो वहाँ पर रखी हुई इंस्ट्रक्शन मैनुअल को ही खाने लगता है और जब उसे पानी नहीं मिलता है तो उसे अपने ही टॉयलेट को पीना भी पड़ता है। अब इसी दौरान बाहर एक और चोर आता है जो इस कार को खोलने की कोशिश करने लगता है मगर तभी कोई आदमी आ जाता है जो उसे ऐसा करने से रोक के उसे
पकड़ लेता है, जिसके बाद में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। बाहर यहाँ पर इतनी ज्यादा हलचल हो रही है, मगर किसी को भी इस बात की खबर नहीं होती है कि इस कार के अंदर कोई शख्स मर रहा है। अब रात हो जाने पर जब उससे भूख कंट्रोल नहीं होती है तो वो अपने साथी कीड़े को खाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसके मन में कुछ ऐसा आता है जिसे वो उसे नहीं खाता है। इसी दौरान अब बाहर एक कपल भी आते हैं जो साथ में इंटीमेट होते हैं, मगर सीरो उन्हें देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। अगले दिन फिर से एनरिक का कॉल आता है, जिसके बाद में एनरिक सीरो से बता देता है कि डैशबोर्ड के नीचे एक चॉकलेट बार है जिसे तुम खा सकते हो। सीरो के चॉकलेट खाने के बाद में अब वो कुछ अच्छा महसूस करता है। सीरो अपने मोबाइल की बैटरी को निकालकर बाहर धूप में रख देता है और बाहर सभी लोगों के रूटीन को देखने लगता है। काफी बार कोशिश करने के बाद में सीरो आखिरकार दरवाजे में छोटा सा छेद कर देता है, मगर ये छेद इतना छोटा होता है जिससे कोई आवाज भी बाहर नहीं जा सकती। अब तभी फिर से एनरिक का कॉल आता है, वो बताता है कि मेरे पास इरीना और लियोनल की न्यूज है। इन दोनों के नाम सुनकर सीरो हैरान होता है, क्योंकि ये दोनों उसके बीवी और बच्चे थे। सीरो उसे पूछता है कि तुम उसके बारे में कैसे जानते हो, जिसके बाद में एनरिक बताता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली से बताया है कि तुमने लॉटरी में $1,00,000 जीते, जिसे वो तुम्हें देने के बाद में यहाँ से चला गया। इसे सुनकर सीरो को बहुत ही गुस्सा आती है। अब जब फोन कट हो जाता है तो सीरो ने जो बाहर बैटरी निकाल कर रखी थी उसको फोन में डालता है। फोन में बैटरी डालने पर फोन खुल जाता है और वो जल्दी से इसके बाद में अपनी वाइफ इरीना के पास में कॉल करता है, मगर उसकी वाइफ कॉल पिक नहीं करती है, जिससे सीरो को वॉइस मेल छोड़ना पड़ता है और इसके बाद में बैटरी भी डेड हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सीरो खाली बैठकर बार बार कार के स्टार्ट बटन पर क्लिक कर रहा है, लेकिन कुछ समय बाद में कार स्टार्ट हो जाती है। कार का गियर रिवर्स में अटका हुआ था, जिसके बाद वो तेजी से कार को पीछे की ओर ले जाता है, जिससे अब यहाँ पर कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार से बाहर निकलता है। वो सीधा कार से बाहर निकलकर पास के पेट्रोल पंप पर वहाँ के कैफे में जाता है। वो यहाँ पर से पानी की बोतल उठाकर और खाने के लिए बर्गर लेकर टेबल पर जाकर खाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड आके कहता है कि इसके लिए तुम्हें पे करना होगा, मगर सीरो उसे गोली से मार देता है। लेकिन अब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि सीरो एक सपना देख रहा था। सीरो इस सब से अब पूरी तरीके से ऊब चुका है, इसीलिए वो इससे छुटकारा पाने के लिए सुसाइड का रास्ता चुनता है। वो गन को अपनी ओर करके ट्रिगर दबा देता है, लेकिन किस्मत से उस स्लॉट में बुलेट नहीं थी, जिसके बाद में वो गन को फेंक देता है। अब जब फिर से एनरिक का कॉल आता है तो एनरिक उसके सामने आता है, लेकिन सीरो एनरिक को उसके सामने देखने पर वो कोई भी रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन के लिए अब उसमें ताकत नहीं बची थी। एनरिक अब कार में आकर बैठता है और वो सीरो से कुछ बातचीत करता है। सीरो ने पहले ज्वाइंट लाने के लिए रिक्वेस्ट किया था, इसीलिए एनरिक ज्वाइंट भी लाया होता है, मगर अब जब एनरिक फोन पर किसी से बात करने लगता है तो इसी दौरान सीरो उसकी गन उठाकर उस पर चला देता है, जिसके बाद में वो गाड़ी से निकलकर रेंगते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करता है। उसके अंदर चिल्लाने की भी पावर नहीं बची थी जिससे वो किसी से हेल्प मांग सके। वो गन चला के इशारा करने की कोशिश करता है, लेकिन एनरिक को गोली छू के निकल गई थी, जिसके बाद वो सीरो को पकड़ के फिर से कार के अंदर ले जाने लगता है। लेकिन इसी दौरान दूसरी तरफ से एक पुलिस यहाँ पर पेट्रोल करते हुए आती है, जिसके बाद वो उन्हें देखकर एनरिक को गन नीचे रखकर उसे छोड़ने को कहती है। एनरिक उससे कहता है कि ये हमारे आपस का मामला है। अब देखते ही देखते यहाँ पर काफी सारी पुलिस आ जाती है, कई सारे रिपोर्टर्स और ढेर सारे लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। अब यहाँ पर काफी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है, क्योंकि एनरिक का जो प्लान था वो फेल हो चुका है, जिसके कारण एनरिक के ऊपर अब खून सवार हो जाता है, और इसीलिए एनरिक के साथ में निगोसिएशन करने के लिए यहाँ पर अमेडियो नाम के एक पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाता है, जो हाल ही में रिटायर हुआ था। अब अमेडियो और एनरिक के बीच में काफी सारी बातें होती हैं। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं कुछ एनरिक के खिलाफ होते हैं और कुछ लोग एनरिक के साथ में होते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जानते थे कि उन्हें भी कई सारी चोरियों का सामना करना पड़ा है। मगर दूसरी तरफ भले ही एनरिक की 28 कार्स चोरी हो जाने के बाद में उसने ये कदम उठाया है, लेकिन वो जो इस समय कर रहा है वो इससे भी बढ़कर है, जो कि उसे एक कातिल बना सकता है। यही कुछ इमोशन भरी बातें अमेडियो एनरिक के सामने रखता है, जिसके बाद में एनरिक का मन बदल जाता है और वो सीरो को जाने देता है। मगर अब एनरिक उस कार के अंदर बैठकर अपने आप को लॉक कर लेता है। इसके बाद वो अपने फोन से एक टाइमर चलाता है और यहाँ पर कुछ समय बाद वो कार ब्लास्ट हो जाती है। इधर सीरो तो बच जाता है, मगर जिसकी 28 बार कार चोरी हुई, जिसका कोई भी कसूर नहीं था, बस एक चोर को सबक सिखाने के लिए उसकी प्लानिंग फेल हो जाने के बाद में जब सभी लोगों ने उसका ये रूप देखा तो इस चोर से ज्यादा खतरनाक वो एनरिक को ही समझने लगे, जिसके बाद में उसे सुसाइड करना पड़ा। इधर सीरो का क्या, उसने भले ही कई गलत काम किए हों, मगर कोई भी एविडेंसेस न मिलने के बाद में उसे अगले ही दिन रिलीज कर दिया जाता है। और इसी के साथ में इस ट्विस्ट से भरी थ्रिलिंग मूवी का एंड होता है।